असलम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इलास्टिसिटी ऑफ़ डिमांड एंड मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं डिमांड क्या होती है कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी कमोडिटी है उसको ख़रीदने की पावर उसको परचेज़ करने की पावर और उसको परचेज़ करने की विश मतलब कि इफ़ वी हैव विश टू परचेज़ अ कमोडिटी एंड पावर टू परचेज़ दैट कमोडिटी हमारे पास उसको ख़रीदने की ताकत भी है और हम उसको खरीदना भी चाहते हैं विश भी है हमारी देन उस प्रोडक्ट की वो क्या बन जाएगी डिमांड बन जाएगी तो इलास्टिसिटी क्या है किसी भी चीज़ के अंदर अबिलिटी टू चेंज चेंज आने की जो एबिलिटी है किसी भी डिमांड के अंदर उसको क्या कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी डेफिनेशन क्या है प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कि क्वांटिटी डिमांड के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज होती है किसकी वजह से प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आना क्या कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आना किसकी वजह से प्राइस के चेंज होने की वजह से तो इसको क्या कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड्स टू मैयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैयर करने के तीन मेथड्स हैं पहला मेथड है आउटले मेथड आउटले मेथड को यूनिटी मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं इन तीनों में से एक नाम आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना दूसरा मेथड है परसेंटेज मेथड और तीसरा मेथड जो है वो है फॉर्मूला मेथड। इसको इन तीनों मेथड्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहला मेथड जो है वो आउटले मेथड यूनिटी मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें क्या होता है व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ प्राइस इसमें होता ये है कि जितनी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है उतनी ही प्राइस मतलब के जितनी ही प्राइस की प्रपोर्शन चेंज हो रही है जितनी की जितनी भी प्राइस की रेशो चेंज हो रही है उतनी ही क्वान्टी डिमांडेड की भी रेशो चेंज हो रही हो मतलब ये कि इक्वल हो चेंज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन आउटले मैथड क्या हो कहता है कि वैन परपोर्शनेट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इन दिस सिचुएशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू वन आर इफ द क्वान्टिटी डिमांडेड चेंजेज क्वांटिटी डिमांड या फिर चेंज होती है इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ड्यू टू द प्राइस इफ़ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस द सेम क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस की वजह से चेंज हो रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है, वो सेम रहते हैं देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू वन जैसा कि ये एक एग्जाम्पल शो की गई है इसमें प्राइस है वन हंड्रेड जो कि चेंज होकर कितनी हो गई टू हंड्रेड उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी जब वन हंड्रेड प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड टू हंड्रेड थी जब प्राइस इनक्रीज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक क्वांटिटी डिमांड डिमांड उसकी कम हो जाएगी इसमें प्रपोर्शनेट चेंज कितनी आई सौ से कितना गया दो सौ पर तो इसकी रेशो कितनी चेंज हुई सौ से दो सौ पर जाने का मतलब है कि वन हंड्रेड का इसके अंदर डिफरेंस आया मतलब इस सौ के अंदर एक और सौ ऐड हुआ तो ये दो सौ बना जब हमने दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड में देखा तो 200 से 100 पर आया इट्स मीन कि 200 से वो कितने कम हो गया 100 इसका भी कम हो गया तो इनकी जो चेंज आई है जो रेशो चेंज है वो दोनों की बराबर है इज़ इक्वल है व्हेन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू वन और इसी को क्या कहेंगे आउटले मैथड और टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा सेम मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बीस हजार आता है या इसको इससे कर लें फिर भी बीस हजार आता है ठीक है और इसी को कोजुअल को हमने ये डायग्राम में शो किया है आपने भी इसी तरह इसको शो करना है नेक्स्ट मैथड जो आउटले मैथड है इसकी फिर आगे तीन सिचुएशन हैं पहली सिचुएशन वैन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन वन वैन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन वन और वैन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू वन जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन वन कब होगी इफ़ द प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल भी ग्रेटर दैन वन सिंपल सी बात है जब भी क्वान्टिटी डिमांडेड की प्रपोर्शनेट चेंज ग्रेटर हो इससे प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस प्राइस की प्रोपोर्शनेट चेंज से प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड की ग्रेटर हो तो क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ग्रेटर होगी अगर इसका उल्ट कर दें इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस देन क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन हो जाएगी इफ़ प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दैन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन वन फॉर एग्जाम्पल वही पहले वाली एग्जाम्पल है हंड्रेड से प्राइस चेंज होकर टू हंड्रेड हो गई क्वान्टिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होकर फिफ्टी पर आ गई अब क्या है कि इसकी प्रोपोर्शनेट चेंज कितनी है चेंज इन प्राइस जो है वो हंड्रेड हुई है मतलब सौ से दो सौ हुई तो इसकी चेंज कितनी है वन हंड्रेड जबकि क्वान्टिटी डिमांडेड में कितनी चेंज हुई है ये टू हंड्रेड में से फिफ्टी निकालें तो कितनी आई वन फिफ्टी इसके अंदर एक सौ पचास की चेंज आई है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर तो फिर इसका मतलब क्या है कि इसकी चेंज क्या है ज़्यादा है और प्राइस की चेंज कम है जब भी क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज ज़्यादा हो और प्राइस की चेंज कम हो देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन वन इसी को हमने ये चार्ट में शो कर दिया उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन जो है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन लेस देन वन किस तरह होगी जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ग्रेटर हो तो प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होगी अगर लेस करनी हो तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस होगी किस से चेंज इन प्राइस से वही बात है इफ़ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन और इफ़ द प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी स्मॉलर देन वन वही एग्जाम्पल है हंड्रेड से टू हंड्रेड पर चेंज हुई प्राइस जबकि क्वांटिटी डिमांडेड ने क्या किया प्राइस जो है वो हंड्रेड से टू हंड्रेड हुई क्वांटिटी डिमांडेड टू हंड्रेड से वन फिफ्टी हुई तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कितनी है वन हंड्रेड जबकि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है ओनली फिफ्टी इसके अंदर सिर्फ फिफ्टी का फ़र्क आया ठीक है तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड की प्रपोर्शन चेंज कम है जबकि प्राइस की ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन हो जाएगी फिर इसको चार्ट में शो किया वन हंड्रेड टू हंड्रेड मतलब ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इधर हमने रखी है लेकिन आपने प्राइस जो है वो इस साइड पर रखनी है और क्वान्टिट्टी डिमांडेड को नीचे पुट करना है उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन जो है तीसरी सिचुएशन आउटले मेथड की वो है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन वन द प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परपोर्शन चेंज ऑफ प्राइस इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वहाँ भी क्या होता है आउटलेट मैथड की डेफिनेशन में भी यही चीज़ थी कि जब प्रपोर्शनेट चेंज क्वान्टिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परपोर्शनीट चेंज इन प्राइस इस सिचुएशन को क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू वन ये जो मैं पहले बता चुका हूँ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कितनी है सौ से दो सौ तक वन हंड्रेड इसी तरह क्यों क्वान्टिटी डिमांडेड चेंज कितनी है वो भी वन हंड्रेड है तो इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं उसके बाद सेकंड मेथड जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैयर करने का वो है परसेंटेज मेथड इसके अंदर भी तीन सिचुएशंस हैं पहली सिचुएशन ग्रेटर देन वन फिर लेस देन वन फिर इक्वल टू वन पहली सिचुएशन जो है वो इक्वल टू वन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम इफ़ द परसेंटेज चेंज इन द क्वान्टी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस सिंपल सी बात है अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वल हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के देन इट इज़ कार्ड इक्वल इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमने क्या रखना है दोनों परसेंटेज को इक्वल यहाँ भी दस परसेंट यहाँ भी दस परसेंट हम ये दस से दस कैंसिल हो गया तो जवाब क्या आ गया आंसर वन आ गया तो देन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन दूसरी सिचुएशन जो है वो है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन वन इफ़ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। सिंपल सी बात है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से देन क्या होगा तो इसको क्या कहेंगे ग्रेटर इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड कहेंगे मसलन ये फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस जब हमने क्या रखना है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा परसेंटेज चेंज है वो है ट्वेंटी परसेंट और ये है टेन परसेंट तो हम इसको जब कट करेंगे टू आंसर आएगा तो ये इसका क्या मतलब है ई डी इज ग्रेटर दैन वन तो ये मोर इलास्टिक होगी ठीक हो गया उसके बाद थर्ड सिचुएशन है ई डी इज़ लेस देन वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन वन तो ये भी उसी तरह सिंपल है इफ़ द परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिस इज़ कार्ड लेस इलास्टिक डिमांड ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड अब हमने क्यों क्यू डी को क्या रखना है लेस रखना है इसको ज़्यादा रखना है तो ये दस है नीचे बीस यो जीरो पॉइंट फाइव इसका आंसर आएगा जो कि लेस है जीरो, आ, से लेस है तो इसको क्या कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन सिंपल सी बात द लास्ट वन मेथड इज कॉल्ड फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड के अंदर आ, दो मेथड्स हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फार्मूला मेथड से हम मैयर करते हैं और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम फार्मूला मेथड से मैयर करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है इफ़ द समालेस्ट पॉइंट जैसा कि नाम से है, समालेस्ट चेंज होगी ठीक है इफ़ द समालेस्ट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू समालेस्ट चेंज इन प्राइस चेंज अक्कर होती है क्वांटिटी डिमांडेड में समॉलेस्ट चेंज इन प्राइस की वजह से इट इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये स्कैजल है 200 से 199.9, बिल्कुल ही पॉइंट वन uh, की चेंज आई है प्राइस के अंदर इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड 400 थी तो वो ज़्यादा हो गई है 400.5, इसमें पॉइंट फाइव की चेंज आई इसके लिए जो फार्मूला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय उल्ट मतलब ये कि इसका ऑपोजिट इससे मल्टीप्लाई कर देना प्राइस को ऊपर रख के और क्वांटिटी डिमांडेड को नीचे रख के इसे जो है वो क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना अब होगा ये कि क्यों डी क्यों चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 400 थी चेंज हो के इतनी हो गई तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस जीरो आ गया और चेंज इन प्राइस कितना है 200 ओरिजिनल थी और चेंज होकर इतनी आई इसको हम इससे माइनस करेंगे तो ये आ गया इसको अब हम इसमें पुट कर देंगे पुट करने से क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी आई 0.5 माइनस के और चेंज इन प्राइस 0.1 ये हो गया और ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 200 थी के जो था वो 400 था इसको हमने जब कैलकुलेट uh, किया तो ये हमारे पास आया माइनस टू पॉइंट फाइव इसमें जो माइनस साइन है इट शोज़ द नेगेटिव स्लोप ऑफ द कर्व उसके बाद सेकेंड है आर इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इफ़ द प्रोमिनेंट चेंज उसका उल्ट है पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी का उल्ट क्या है आर इलास्टिसिटी इफ द प्रोमिनेंट चेंज अकर्ज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द प्रोमिनेंट चेंज इन प्राइस मतलब ये कि कुछ बड़ी चेंज होना बड़ी चेंज इन प्राइस की वजह से बड़ी चेंज हो जाना क्वांटिटी डिमांड के अंदर उसको क्या कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका स्केजुअल क्या है 200 से प्राइस 300 पर मतलब ये कि यह प्रोमिनेंट चेंज हुई है 200 से 300 पर चला गया इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई 400 से 200 हंड्रेड पर फॉल कर गई है तो इस तरह ये भी एक प्रोमिनेंट चेंज है पहली प्राइस क्या थी पी वन टू हंड्रेड पी टू क्या आ गई थ्री uh, हंड्रेड इसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड पे वन क्या है ये फोर हंड्रेड टू क्या है टू हंड्रेड इसको फार्मूला आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला ये है क्यू टू माइनस क्यू वन पी टू माइनस पी वन सिंपल सी बात ये है अभी इसको हमने उसी तरह उल्ट कर दिया ये क्या हो गया नीचे वाली रकम ऊपर जाके प्लस हो जाएगी पी टू मल्टीप्लाई करना है इसको पी टू प्लस पी वन ये वाली नीचे लिखी Q2 टू प्लस क्यू उसके बाद इसके अंदर पुटिंग्स कर दी जो है वो सबसे पहले Q2 क्या है 200 उसके बाद 400 300 इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस वन पॉइंट सिक्स सेवन आंसर आया जो कि नेगेटिव साइन इसमें शो करता है नेगेटिव स्लोप ऑफ द कर्व ये आपने उसके साथ लिख देना है तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में तमाम कुछ अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच